तमाल से दुआ कहिए। एक खातून कनीज फातिमा अल्ताफ हुसैन सजाद साहब बाबल के चेयरमैन और जितने भी मरीज़ हैं इस बीमारी की वजह से, वबा की वजह से, उन सब की सेहत कामल और आजला के लिए बुलंदर सलावात। एक सूरह फातिहा तीन दफ़ा सूरह इख़लास की दरख्वास्त है तमाम मोमिनीन मोमिनात मरुमीन तमाम उलमा तमाम शहदा और ख़ास तौर पर जिन मोमिनीन मोमिनात के लिए मजलिस मुख्तस है और उस्ताद सईद शब्त जाफ़र शहीद कासिम सुलेमानी के रूप को पढ़कर बिस्मिल्लाह। इमाम ज़माना की सलामती के लिए एक दफ़ा सलावात भेजते हैं। حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستغفرين وَيُلْقِمُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ ثَقَلَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم अफजल अमाल उम्मती इंतजार फरज। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। असदारा ने सईद शहदा माह सफ़र शुरू के अयाम हैं और अयाम जो हैं वो उस बच्ची के गम के ज़्यादा हैं कि जिनका भरल आपने अभी सलाम अमरसिया सुना और यकीनन बहरहाल ये सोस और गुदास ये बुका ये क्रिया इंसान को कमाल की तरफ लेके जाता है। वो दिन जिस दिन कयामत वाला दिन जहाँ सारी आँखें परेशान होंगी और निगरान होंगी उस दिन वो आँख जिसने हुसैन पे क्रिया किया होगा वो खुशहाल होगी। तो ये आंसू ख़ुद इंसान को कमाल पे लेके जाते हैं। बस ये है कि वो बहरहाल हमें कबूल करें हमारी इस नौकरी को आने को सुनने को और जाने को। अज़ीज़ाने मोहतरम हमारी बहरहाल गुफ्तगू हालात के तनाजुर को तय करती हुई कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि अफजलुल आमाल उम्मती मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन सबसे अफजल अमल फ़रज का इंतज़ार करना है। खूब फ़रज जो है वो कई मानों में बहरहाल आया है गुशाइश के मानों में भी है और ज़ाहिर है कि जब वो आखिरी ज़हूर फरमाएगा तो फिर सबसे ज़्यादा गुशाइश उसी वक्त होगी। परवरदिगार कुरान में जहाँ
अंबिया की उम्मतों के वाकयात बयान कर रहा है। वहाँ हर वाक़े में, हर दास्तान में, हर उम्मत में इबरत है। इसलिए परवरदिगार ने जो है वो कुछ कौमों के वाकयात को पूरा नहीं किया, हिस्सों हिस्सों में बयान किया है, क्योंकि कुरान किताब हिदायत है और हिदायत में अगर पूरी सारी तारीखें आ जाती तो वो किताब पर हिदायत नहीं है। और वैसे भी कलाम इलाही है जो तनज़ुल होता हुआ नीचे होकर वो असल नूर कुरान जो है वो हुरूफ की शक्ल में हमारे पास आया है और इसमें हिदायत है। परवरदिगार जहां अंबिया का ज़िक्र कर रहा है वहां उनकी उम्मतों की हालतें भी बयान कर रहा है। बनी इसराइल के जिसका ज़िक्र कुरान अच्छा खासा करता है, एक अच्छी खासी तादाद में करता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या उसमें फिर है। वहाँ पर जब फिरौन और फिरौन के जुल्म और सितम को बयान किया जाता है, वहाँ पर फिरौन के निज़ाम को असल में बताया जा रहा है कि फिरौनियत का निज़ाम क्या है। ये नहीं, बहरहाल वो शख्स तो अपनी जगह पर है, अब वो जो भी है, तकब्बुर है, गुरूर है, जो अपने आप को जो है वो कहता है कि मैं ही जो हूँ अल्लाह रब्बकुम अला हूँ, मैं रब हूँ, मैं ये हूँ, मैं जो दिल चाहे करूँ, मैं मारूँ, मैं ज़िंदा करूँ, और उसने वही किया जो जो हिस्सा में नज़र आता है। फिर रिवायात उसकी रोशनी डालती हैं कि जब उसे बताया गया, पता चला कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, तो इससे खौफ हो गया। किसने बोला कि कौन आ सकता है, कहा एक बच्चा आएगा और इसी में से आएगा और वो तुम्हारी इस पूरी हुकूमतों को पलट देगा। अब यहाँ सवाल ये है कि ये जो खबरे गैब है ये फिरौन को कौन पहुंचा रहा है? ये जो हम तारीख में अक्सर पढ़ते हैं ये खबर गैब है, ये गैब की खबर फिरौन को कौन दे रहा है? तो इसका मतलब है कि बहरहाल हम थोड़ा मुतवज्जे हों अज़ान मोहतम, थोड़े से बातें सारी आप जानते हैं, मैं कोई नई बातें तो करने नहीं आता, बात का जाविया नया है बस। बात यह है कि फिरौन जो कि अपने आप को ताकतवर समझता है और अपने आप को समझता है कि मैं ये सब करता हूँ, जब उसे ये खबर दी गई तो पहली बात तो ये, उस तक खबर ये पहुंची कैसे? दूसरी, उस खबर पर फिरौन का यकीन नहीं समझे अजाने मोहतरम, यानी बड़ी बात है, यानी खूब वो बादशाह, वो कह रहे मैं बादशाह हूँ, मैं रब हूँ, ये क्या खबर हुई? तो अपने आप को इतना समझता था तो पहली बात तो उसे क्या जरूरत थी किसी खबर वो मानने की, और फिर उसको ये यकीन कैसे कि जो बच्चा आएगा या जो आने वाला है वो मेरी हुकूमत को पलट देगा? ये खुद इसका मतलब था कि सब जानता था, अंदर से जानता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान खोखला हो तो वो अपने उस गुबाल को कवर करने के लिए बाहर सजाता है, अंदर वो खोखला होता है असल में। इसीलिए अजदाने मोहता हमें ये समझने की ज़रूरत है, दुश्मन जितना अपने आप को बड़ा दिखा दे, जितना बड़ा दिखा दे, वो कहा मैं अना रब्बकुम अला, मैं रब हूँ तुम्हारा, वो कह रहा है। ये हकूमत क्या बनाया उस जमाने ने, उस जमाने के फिरौनों ने क्या बनाया? आज तक अब आपको एहराम मिस्र समझ ही नहीं आ रहे हैं कि क्या बनाए, किस तरह बनाए गए और पता नहीं क्या क्या बना लिया। वो जिसके पास सब कुछ उसी के पास है, निजाम पूरा हाकिम है, यानी सिर्फ निजाम जाहिरी निजाम नहीं था, यानी जो भी सोशल सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट उस जमाने की थी वो सब था, काख था, कोई खेमों में नहीं रहते थे वो लोग। किस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, ताकि ये भी दिखाए कि जाहिर में भी निजाम है, यानी सिस्टम जाहिरी भी लेकर आया, सिर्फ खोखले दावे नहीं कर रहा था कि, लेकिन अंदर से जानता था कि कोई है, कोई है। अब ये जो आज का निजाम है ये आपको दुनिया की तरक्की दिखाता है, सबसे बेहतरीन गाड़ियां, सबसे बेहतरीन बिल्डिंगें, सबसे बेहतरीन ये निज़ाम, सबसे बेहतरीन वो निज़ाम, लेकिन अंदर से खोखला है।
अंदर से खोखला है, उसका खोखलाहटपन आपको नजर आ गया, आपके सामने है। इतना ही ताकतवर है कोई तो फिर लोगों के मुल्कों में घुसने की जरूरत क्या है आपको? लोगों के मुल्कों में घुसने की जरूरत क्या है? इतना 100 साल से हॉलीवुड को बताकर कि हम दुनिया की ताकतवर फौज हैं, हमारा फौजी ऐसा होता है, हमारा असला ऐसा होता है, वहां वो फलस्तीन में पत्थर उठाता है तो भागना शुरू कर देता है। यानी क्या है? यानी अंदर खोखला है। वो एक सैयद बयान दे दे कि हम बदला लेंगे, रेड अलर्ट पर रहता है, अपना ही परिंदा कोई आ जाए समझता है धमाका हो गया। ये पिछले दिनों की बात है, पुरानी बात नहीं है। अज़ाने मोहतरम, क्यों? अंदर से खोखला है, खोखला है। हम नहीं समझ पाए आज तक, मुसलमान नहीं समझ पा रहे। कुरान जाहिर है, कुरान उस तरह पढ़ते ही नहीं जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ था। वहां से जब कुरान लेंगे तो कुरान हिदायत खोलेगा, बताएगा। अज़ाने मोहतरम, फिरौन अपनी पूरी ताकत के साथ आया, उसने पूरी एक कौम को दबाया और इतना दबाया कि कुरान यही कहता है कि ये मर्दों को कैद कर लेना, बच्चों को ज़बह कर लेना, औरतों को असीर कर लेना, ये उसके निज़ाम की निशानियां थीं। फ़कर, गुरबत, इनको पसमानदा रखो, इनको फ़कीर रखो और इनको दबा के रखो और अपने निज़ाम को हाकिम रखो। मगर उसी पूरी ताकत के निज़ाम में बहरहाल वो इसको जो भी खबरें देने आया, क्योंकि खबरें बहरहाल गैब की खबर थी और गैब की खबर जो है वो जिसको पता थी वही आगे देगा, उसने इसको खबर दे दी। अब इस खबर पे ये यकीन तो कर गया जा रहा है, क्योंकि जाहिरी दौलत से मोहब्बत थी। जो अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता कि जाहिर में कोई माने या ना माने, उन्हें कोई खौफ नहीं होता कि ये बादशाह मिल जाए वो मिल जाए। नहीं, उनके लिए तो हदीस है कि हज़रत अम्मार तशरीफ़ ला रहे थे, हज़रत अम्मार ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके जाने के बाद बड़े मसाइल देख रहा हूँ। बाबा सीरत थे ना, बुज़ुर्ग सहाबी हैं बहुत। कहा मैं आपके जाने के बाद मसाइल देख रहा हूँ, क्या करूँ, आपके जाने के बाद कहाँ जाऊँ? तो ऐसे में देखा हज़रत अली इब्ने अबी तालिब तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व फौज। समझने की कोशिश करें, बहरहाल ये रिवायतें आप हदीस पहले सुनते रहते हैं, लेकिन मैं बहरहाल मैं तो नहीं हूँ, कोई और है जो मुझसे बुलवाता है, मैं और जाविया आपको देने के लिए। यहाँ पे कहा अम्मार, पूरी दुनिया के इंसान एक वादी में हो और अली एक वादी में हो तो हक अली की तरफ है। यानी क्या? यानी यहाँ सल्तनतें नहीं चाहिए, यहाँ बादशाहत नहीं चाहिए, यहाँ कोई हो या ना हो ये अकेला काफ़ी है, ये अकेला, ये अल्लाह का नुमाइंदा ये होता है। लेकिन जो तागूत वाला होता है वो सारी जिंदगी अन बुन जोड़ता रहता है कि किसी तरीके से मेरी तरफ लोग आएं, मेरी तरफ खींचें, खरीदूं, मैं दौलत से दूं, जान का खौफ इनको दूं, घर छिनने का खौफ हो। यही फिरौनियत का निज़ाम है अज़ीज़ाने मोहतरम, इसको समझें। ये आज जो दुनिया पे हाकिम है कि जो ये कहते हैं हमारी बात नहीं मानेगा, हम जो है वो उसकी हुकूमतें उलट देंगे, हम उसकी हुकूमत पे पाबंदियाँ लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम फौज को उतार देंगे, ये कर देंगे, और ये इन्होंने किया और ये हमें नज़र भी आया कि इन्होंने खुद धमाके किए और फिर जो है वो अफगानिस्तान में इन्होंने फौज को उतारा। 9 सितंबर का धमाका, असल में ये बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। अब हालांकि दुनिया की सारी चीज़ें इनके पास थी, बहुत अरसे से थे ये,
इनको कोई जरूरत नहीं थी, तरक्की याफ्ता मुल्क जाहिरी हर चीज दुनिया की जो कर सकते थे इन्होंने की, तो फिर इन्हें किस चीज का खौफ था, इन्हें क्या खौफ था कि ये कई साल से तैयारी कर रहे थे कि हम इस मंतखे में इस एरिया में उतरे, क्या था? वही उस फिरौन को जिसने खबर दी थी कि एक आने वाला है, उसी ने इनको भी खबर दी है कि एक आने वाला है और इसी खत्ते में आएगा। इन्होंने बड़ी मेहनत की है जाने मोहतरम, मेहनत तो की है, इतना बड़ा ड्रामा किया ट्विन टावर का, ठीक है, फिर यहाँ उतार, आज तक पता ही नहीं था जहाज भी थे कि नहीं थे, हमें क्या पता वीडियो कौन बना रहा था, हमें क्या पता वीडियो बनाई कि मैंने, कैसे पेजल गई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जहाज में इतना मादा थोड़ी होता है कोई, वो कहाँ गए, वो थे कौन, आपके यहाँ तो एयरपोर्ट से कोई मेटल नहीं गुजर सकता, वो कैसे गुजर गए, सब ड्रामा, और दुनिया ने ड्रामा देखा और दुनिया ड्रामे में आ गई और मुसलसल आए जा रही है। खुद बनाया उसामा को, खुद क्रिएट किया, खुद क्रिएट किया, इनके लिए मुश्किल थोड़ी था कोई चीज क्रिएट करना, इन्होंने क्रिएट किया उसामा को, खुद कैरेक्टर बनाया, खुद डिजाइन कराया, खुद सारी चीजें कराई और थोप दिया हमारे ऊपर आके, क्योंकि जाहिर है हम भी दुनिया में मस्त घूम रहे थे तो हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन जो निजाम अल्लाह के वली का इंतजार कर रहा है वो इनकी एक एक साजिश से वाकिफ था, वाकिफ है। यही वजह है कि पूरे खित्ते में, पूरे खित्ते के अंदर हर तरफ आकर इन्होंने घेर लिया, एक ही हलक का कांटा बन गया, नहीं उतरा नीचे, मजबूर इतना हुए, न सिर्फ उतरा, पूरी दुनिया में जाहिरी तौर पे भी रुसवा किया और अभी यूनाइटेड नेशन में भी रुसवा कर दिया है इन्हें, हालांकि खुद बनाया था। क्यों अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ जानना काफी नहीं होता, यकीन जरूरी है किसी चीज पर, जब आपको ये यकीन हो कि वो आने वाला है तो फिर आप कैसे रहेंगे। फिरौन को यकीन था वो आने वाला है, हालांकि खुद बादशाह था, इनको यकीन है वो आने वाला है, और जिनके आने वाला है उन्हीं को यकीन नहीं है कि वो आने वाला है। अजीजाने मोहतरम, ये मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है, यहां कोई फिरका नहीं है, कोई फिरका नहीं है, मुसलमान सारे और सबका ये मुसलमा अकीदा है मुसलमानों का कि आखिरी आने वाला है, वो आएगा, वो ही दुनिया को निजात देगा, तो हम सब मिलकर उसका इंतजार क्यों नहीं कर रहे। ये सब मुसलमानों को दावत है अज़ीज़ाने मोहतरम, कब तक फिरौनियत का निजाम आपके बच्चों को मारेगा, आपकी औरतों को अगवा करेगा, आपके मर्दों को ख्वाहिशात का असीर करेगा। अब वो उतर थोड़ी रहा है फिरौन की तरह कि आएगा तलवार लेकर आपके बच्चे को मारेगा, नहीं, उसने ऐसा प्रोपोगंडा किया है कि आज खुद वालदैन अपने बच्चों को एबॉर्शन करा रहे हैं। नहीं अजीजाने मौत, तो आप समझ नहीं रहे, कई मुल्कों का महीने बल्कि एनुअली हजारों में एबॉर्शन है। किसने सिखाया है, कौन से कहा रहा है, मार रहा है ये बच्चों को आपके, मर्दों को आपके अपने गुलाम बनाएगा। तो आज मर्द गुलाम नहीं है कॉरपोरेट का, आज मर्द गुलाम नहीं है दुनिया की ब्रांड्स का, आज मर्द गुलाम नहीं है कि बस उसको सुबह शाम कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। औरतों को क्या किया उसने, आज कहाँ औरतें, आज औरतें जी आज हम मर्द के बराबर हैं, आज हम बाहर निकलेंगे, किसने इसे बाहर की प्रोडक्ट बनाया हुआ है, किसने बनाया हुआ है, वो ही निजाम है। वो निजाम ऐसा नहीं है कि आपके घर आएगा, मोहल्ले में आएगा, चलो बोले औरतों को बेहिजाब करो बाहर निकलो, नहीं, घरों में घुसकर, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई चीज हो, जहनों में रसूख दे दो। आजादी के मायने अपने आप को आजाद करने के हैं, अपने लिबास को कम करने के हैं, और ये जो दुनिया का एजुकेशन का निजाम आपको दे रहा है वो
कोर्स वही देंगे, हम भी खुश होते हैं बच्चे ऑक्सफोर्ड की चीजें पढ़ते हैं, पढ़ क्या रहे हैं? क्या ये बच्चा गुलाम बन रहा है या आजाद बन रहा है? फिरौन निजाम है जिजाने मोहतरम, कुरान को समझे। कुरान सिर्फ आपको इसलिए नहीं आया कि आपका कोई मुर्दा मर जाए तो आप सवाब के लिए पढ़ के निकल जाएं, घर चले जाएं। नहीं, ये जिंदों की हिदायत के लिए उतरा है। कुरान समझे, यानी खुदा ने जब खल्क किया कायनात को तो सबसे पहले अपने महबूब के नूर को खल्क किया है, उस नूर को खल्क किया। और रिवायात कहती है कि 12,000 आलम, 12 आलम, और हर आलम में उस नूर ने सैर की है। उस 12 आलमों में हर आलम में 12,000 साल लगाए उस नूर ने, और जिस आलम में वो आया उस आलम के हिसाब से उसने इबादत की है और उस पूरे आलम को जिंदा किया है। बात मुश्किल है थोड़ी सी, हाँ समझ में नहीं आएगी, हो सकता है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी। समझे, असल में हम लोग समझ नहीं पाए कि ये आने वाले कौन थे, ये आने वाला कौन है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना, खड़ा नहीं हो सकता इंसान। ये वही है जो आपको ताकत देते हैं, ये वही हैं आपको। वो हजरत मूसा जानते थे कि कहाँ खुदा ने, जब आप नबी को या वली को भेजना होता है ना तो फिरौन के घर में पलाता है। वो फिरौन जो कि मारता रहा इधर उधर जाकर, और कहा वही भेजी, मां के ऊपर वही आई, भेज दो उसको पानी में, भेज दो। मां थी ना, लेकिन दिल तो था बच्चे की तरफ, भेज दो। कहां जाके रुका वो बक्सा? वहीं फिरौन के काख में जाकर रुका, और वहां पर अल्लाह ने पहले से उस पाक और तथहीर खातून को रखा हुआ था जो नबी की परवरिश करेगी। निजामे लाई है, तुम जितना कुछ कर लो, तुम जितनी बड़ी हुकूमतें बना लो, तुम सारे मुसलमानों को खरीद लो, खरीद लो, सबको खरीद लो, जान के खौफ से, माल के खौफ से, पैसे के खौफ से, जो कुछ कर लो, मगर उस वजूद के लिए उसने उन सरजमीनों को पाक रखा हुआ है, रखा हुआ है। वहां पर विलायत के अलावा कुछ और नहीं चलेगा और ना चलता है। वहीं से उन बतनों से पाक वो सरबाज पैदा हो रहे हैं कि जो आखिरी वली के साथ होंगे। कुछ भी कर लो तुम, तुम्हारा निजाम है, एक उसका निजाम है। वहां हजरत मूसा को पलाया बढ़ाया, हजरत मूसा वहीं पले बड़े। फिरौन अपने सामने उस बच्चे को पलता देखता रहा मगर कुछ नहीं कर पाया। अजीजाने मोहतरम, यही समझने की जरूरत है कि ये जिनको भेजा है वो जो नूर है, उसी नूर से ये सारे आलम वजूद में आए हैं। वो एक ही नूर है जिसे परवरदिगार ने खल किया। हर आलम में उस नूर ने अलग इबादत की है, तस्बीह तमजीद की, और उस आलम को जिंदा किया, यहां तक कि वो उतरता 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 इस आलम में मादा में आया, और हर आलम में उसको अलग लिबास पहनाया गया जहां उसने उसी हिसाब से इबादत की है। रिवायात कहती हैं कि ये नूर एक आलम में इतने सजदे में था कि इसके अंदर से जो अरक निकला उस अरक से ये 1,24,000 को खल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये महवर है इन सारे अंबिया के अनवार का, ये महवर है, ये वो जात है, अकदस है, जिसे परवरदिगार ने खल्क किया, और फिर ये सब उसके अनवार उसके गिर्द घूमते रहे। और इस आलम में कि वो नूर आता, उससे पहले इन सारे नूरों को भेजा ताकि इस आलम को तैयार करें। ये आलम तैयार होता रहा, जब ये उस मकाम पे पहुंच गया तो वो नूर
बशरियत के लिबादे में आया और बशरियत के लिबादे में, और ये आया इसलिए कि ये तो कमाल पे था, इस नूर को क्या जरूरत थी। ये तो नूर हर जगह इबादत कर रहा है, ऐसा नहीं था कि इसने वहां, ये हर आलम में इबादत कर रहा है। ये तो खुद कहते हैं कि हमने तस्बीह तमजीद की तो मलाइका ने हमें देखकर तस्बीहें पढ़ना शुरू की। ये तो ये यहां क्यों आए? क्योंकि यहां भेजा इसलिए कि एक तो इस आलम में इबादत, दूसरी इसमें जो मखलूक है इसकी शफात करनी है, इसको इस आलम से इम्तिहान से निकालना है, इसीलिए उसे भेजा गया अज़ाने मौत। अब ये कोई आसान काम नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम था। तभी तो वो जो वाकयात हैं कि जब रसूल खुदा के जो अजदाद थे उन अजदाद के लिए कहा जाता है कि जो बनी हाशिम थे, कि जब वो भी किसी मकाम पर किसी मुल्क में गए उस ज़माने में, तो उस नूर की झलकें उनके माथे पे भी थी। और उस वक्त दुश्मन जो थे, क्यों? क्योंकि हर दौर में कोई है जो उनको खबर देता है। तारीख कहती है कि ये किसी मुल्क में गए और वहां पे जो दूसरे लोग थे उन्होंने इस नूर को देखा और वो उस वक्त से इसके पीछे पड़ गए। वो जब आए तो आपको पता है रसूल के दादा का जो नाम है वो अब्दुल मुतलिब है। यानी क्या? यानी जब वो पैदा हुए तो वो जानते थे कि इसकी जान को खतरा है, उसे किसी और को दे दिया। अब्द यानी बंदा, गुलाम यानी कहीं और उसकी परवरिश की कि पता ना चले कि ये कौन है। ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये पीछे से मामला चला आ रहा है। और फिर वो नूर जो है, उस नूर में से जो निकला, और फिर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर वो नूर वाज़े हो गया। और उनके लिए कहा गया कि जब पैदा किया गया उनके लिए तो 100 ऊँटों की कुर्बानियाँ दी गईं। आसान नहीं है। और फिर देखें कैसे हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल जल्दी हो गया। कहाँ हुआ? मक्का मदीना के दरमियान में है उनका। कैसे? क्योंकि जो उनको पहचान गए थे वो उनके पीछे थे। फिर क्यों रसूल को शहर से बाहर भेजा गया तरबियत के लिए? अज़ीज़ाने मोहतरम, आसान नहीं है। वहां मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जमाने के फिरौन को खबरें पहुंचाई कि मारो, ये अगर आ गया तो ख़त्म कर देगा। तो यहाँ खातमी मर्तबत आ रहे थे, आप क्या समझ रहे थे? लोग बगाफिल थे, लोग अतराफ में आके बस गए थे। हत्ता लोगों ने उस रात, जिस रात ये नूर मक्का में आया है, उस रात आसमान पे उस नूर को उतरते देखा है। और उन्होंने ढूंढा उन्होंने उतर के कि ये कौन आया है आज। मगर क्योंकि ये समझे थे कि शायद हमारे घर में आएगा, इनके पास नहीं आया। और ये ढूंढते रहे कौन सा बच्चा आया है, कैसा बच्चा आया है, लेकिन इस बच्चे को आराम से किसी और तरफ ले गया। खुदा खुद अपने जिक्र की हिफाजत करता है। खुदा खुद अपने जिक्र की हिफाजत, खुदा खुद कहा है कि मैं अपने जिक्र की हिफाजत खुद करूँगा, हाफिजून है वो। खुदा ने खुद हजरत रसूल को, और फिर वो मशहूर वाकया कि जब रसूल अपने चचा के साथ जा रहे थे तो जब रास्ते में कहीं गए तो देखा कि बादल जो है वो साथ साथ है। जब सब आ गए तो कहा फिर भी बादल खड़ा हुआ है। कहा कौन है? कहा वो एक बच्चा भी है। कहा उसे बुलाओ। तहजीम से बुलाया उस नुसैरी ने, नुसरानी जो कि उस ज़माने में बहरहाल बड़ी अपने हिसाब से आलिम था। और उसने वो मोहर नबूवत भी देखा और कहा उन्होंने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कि आप इसको वापस ले जाइए, इसकी जान को खतरा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आसान नहीं था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद।
آل محمد. خوب اب آ گئے مکہ میں, آہستہ 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 وہ نور بڑھ رہا ہے, وہ نور اپنے وجود کو پھیلا رہا ہے, یہاں تک کہ انہوں نے امین اور صدیق ماننا شروع کر دیا. اور جب مان لیا تو کہا اب جاؤ اب ان کو پیغام دے دو. جیسے ہی پیغام دیا وہ پرانا نظام اکھڑنے لگا, وہ نظام تھا نا وہ بھی اکھڑنے لگا. جب سب کرنے کے باوجود نہیں ہوا تو یہ سارے جمع ہوئے, اب کیا کریں؟ تو پھر وہ آیا جو کہ ہر زمانے میں آ رہا ہے. وہ آیا, کہا کہ ہر قبیلے سے ایک فرد لے لو اور رات کو حملہ کرو تاکہ کل کو یہ بولیں, کیونکہ بہرحال بنی ہاشم بھی قبیلہ مضبوط تھا. کہا تاکہ کل کو یہ, اتنے سارے قبیلوں سے تو نہیں لڑے گا, کوئی ایک مارے گا تو لڑنا پڑ جائے گا. ہر قبیلے سے جتنے قبیلے تھے سارے مرد جمع کیے, لوگ جمع کیے, طریقہ بتایا کہ رات کو جا کر حملہ کرنا. اب انہیں کیا پتا, اب انہیں کیا پتا کہ رات وہ ہوگا کہ جو آخرت تک کے لیے منافقت کے چہروں سے نقاب الٹنے والا ہے. اب یہ پوری اپنی تیاری سے گئے, پہنچ گئے, اب انہیں کیا پتا. بہرحال وہ جو موسیٰ کو فرعون کے کاخ میں بلند کر سکتا ہے, وہ گھر سے اس کو نکالنا ان کے لیے کیا تھا. یہ بہرحال یہ جیسے ہی وہاں پہنچے انہوں نے کیا دیکھا, انہوں نے کسی اور کو دیکھا. اب انہیں سمجھ میں نہیں آیا, مگر اس رات کہ جب وہ اللہ کا ولی اپنے نبی اور محبوب خدا کی خاطر سویا ہے, کتنا مطمئن. کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کو. حتیٰ روایات کہتی ہیں کہ پروردگار نے بھیجا حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نیچے آئے اور کہا پروردگار آپ پر افتخار کر رہا ہے. کیوں؟ کہا کہ ہم سے سوال پوچھا کہ تم دونوں میں سے کون ایک دوسرے کی قربانی دے سکتا ہے, جب بڑے ملائکہ ہیں. تو کہا ہم میں سے نہیں. کہا کہا جاؤ دیکھو کیسے وہ اپنے بھائی کے لیے قربان ہو رہا ہے. خدا افتخار. اسی لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وہ رات کو اپنے نفسوں اپنی مرضیوں کو بیچ رہے ہیں. بیچ دیا. علی نے اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. جزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں, قصور ہمارا ہے, میں اپنا قصور, کسی اور کو نہیں, ہمارا قصور ہے. ہم نے نہ پیغمبر کی ذات کو صحیح طرح کھولا بیان کیا, نہ ہم نے آئمہ کو صحیح طرح بیان کیا. ہم نے آئمہ کو فرقوں میں سمیٹ دیا جبکہ یہ انوار عالم تھے, عالم کا نور ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اتنے انوار سے نیچے اترا, تنزل کرتا ہوا تنزل کرتا ہوا آیا, وہ نور جسے اس وقت لوگوں نے بھی دیکھا, شیطان بھی پہنچا لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آنے نہیں دیا. سب نے دیکھا, ساری کتابیں مانتی رہیں کہ وہ ایک آئے گا وہ ایک آئے گا. اب وہ جو نور آیا, اب اس نور نے کیا کہا؟ وہ جو سارا نور تھا وہ بحر تھا, وہ ایسی ایسی چیزیں تھیں کہ جو روایات بیان کرتی ہیں کہ شاید ہم اس کو صحیح طرح تفسیر بھی نہ کر پائیں. ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر اس نور نے جو سب کچھ تھا وہ علی کو دے دیا. اب یہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کم کر رہے ہیں کسی کو زیادہ کر رہے ہیں, نہیں, جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی ہے. عزیزان محترم, انا مدینۃ العلم و علی بابہا, میں علم کا شہر ہوں. بھائی کیسا شہر ہے؟ وہ سارے انوار کا علم یہاں ہے, وہ سارے نور یعنی سارے عالم. سارے نبی آئے اس لیے کہ یہ آخری نبی کے لیے زمینہ فراہم کریں. وہ کتاب جو مقدس اس نبی پر اتری وہ ان سب کا لیٹسٹ ورژن تھا. وہ سارے چھوٹے چھوٹے ورژن تھے, توریت انجیل سب کچھ زبور سب اتری. یہی تو وجہ تھی کہ یہ کچھ یہودی آئے
मौला अमीर अल-मोमिनीन की खिदमत में, कहा कि आप कि नबी जो आप कहते हैं कि नबी आखिरी नबी है, हमारे तो हजरत दाऊद ने तरके उला किया फिर माफी खुदा की बारगाह में इतनी इबादत की कि कुरान कह रहा है कि उनकी तस्बी के साथ पहाड़ तस्बियां करते थे, पहाड़ तस्बी मुसखर कर दिया पहाड़ को। जो हजरत दाऊद इबादत कर रहे हैं पहाड़ भी वही इबादत कर रहे हैं, जो ये जिक्र कर रहे हैं पहाड़ भी वही जिक्र कर रहे हैं। आपके नबी के पास क्या है? कहा आपके नबी इसके पास क्या? कहा कि जब रसूल इबादत में खड़े होते थे खुदा की, तो रसूल का दिल कल्ब इतना जिक्र करता था कि सुनने वालों को जिक्र की आवाज आती थी, और इस रसूल ने इतनी इबादत की कि कुरान खुद कह रहा है कुमुल लैल इल्ला कलीला, कि रात को खड़े हो रसूल, हमने तुम्हें ही नहीं कहा कि तुम अपने आप को जहमत में डाल दो, तुम्हारे पांव सूज गए, इतनी इबादतें की, इतने सजदे किए, इतने किए, कुरान कह रहा है कुमुल लैल। कहा वहां हजरत दाऊद जिक्र करते थे, पहाड़ जिक्र करते थे, यहां खुदा कह रहा है कम जिक्र करो, नबी तुम कितनी इबादत करते हो। और ये नहीं कहा, इसको परवरदिगार ने उस मकाम पर लेके गया कि सारे समावात तय हुए, और फिर एक ऐसा मकाम आया जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर मैं उंगली की इस बराबर भी आगे बढ़ा तो फना हो जाऊंगा, और खुद जिब्राइल कहते हैं कि कोई भी जिस मकाम पर नबी को बुलाया मेराज में, ये वो मकाम है जहां कोई खुदा के साथ खलवत में नहीं आया कोई। आप समझने की कोशिश करें, हम बड़ा यहां पहुंचते हैं, मैं इसलिए बहुत पहले से बात कह देता हूं कि ताकि आपके जहनों को मैं पढ़ लेता हूं। हम जब इस बात को यहां पहुंचते हैं ना, तो हम नारा मारते हैं, हम निकल जाते हैं, हम समझते नहीं है कि मामला है क्या वहां। थोड़ा सा मेरे साथ तहम्मुल कीजिएगा, शायद अगर किस्मत हुई तो सिदरतुल मुंतहा नजर आ जाए। अजीजाने मोहतरम, कहा मलाइक कह रहे हैं, वो मलाइक के जो सारे मलाइकों का सरदार है, हजरत जिब्राइल कह रहे हैं कि सारे समावाद तय कर एक मकाम पर, एक ऐसा मकाम अर्श का कि जहां हजरत जिब्राइल कह रहे हैं कि अगर मैं ये जरा बराबर, ये उंगुस के जरा बराबर भी गया फना हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये वो मकाम है जहां आज तक कोई मलक कोई भी खुदा से खलवत पर नहीं आया। वहां हजरत मूसा जब तूर पे गए, कहा नालैन नाल, यहां आओ महबूब, आओ महबूब। वो मकाम, उस मकाम पर बुलाया कि जहां कुरान कह रहा है कि इतना फासला। अब इसको हम नहीं समझ सकते, मुफस्सरीन उलमा ने भी यहां पे कहे कि हम इसको बयान नहीं कर सकते, हम सिर्फ कह रहे हैं कि दो कमानों के दरमियान जब खींचते हैं आप, उससे भी कम फासले पर ये महबूब हबीब के सामने, क्या आलम है नहीं पता जाने मोहतरम, लेकिन कहाँ पहुंचाया। और सबको इत्तफाक है, सुन्नी शिया सब इस बात को मानते हैं, मेराज जो है वो अपने अंदर बहुत गुफ्तगु है, मेराज में बहरहाल हदीसें भी हैं, सब कुछ है मेराज की हदीसें, लेकिन मेराज बदनी और कई दफ़ा के कायल हैं कि मेराज बदनी कई दफ़ा हुआ, किस तरह वहाँ मकाम पर ले गया। फिर हम बाज़ोकत कहते हैं नबी हमारे जैसा, रसूल हमारे जैसे, भाई हमारे जैसे कहाँ से हो गए, हम तो एक दूसरे जैसे नहीं है। या रसूल अल्लाह, यहाँ तो हम एक दूसरे से बोलते हैं मैं बेहतर हूँ उससे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। असल में छुपाया गया है तारीख में, क्योंकि अगर तुम हकीकत बयान करोगे इनकी
तो फिर मजबूर है अतात वाजिब हो जाएगी। अब जाहिर है अब अतात को इधर उधर करने के लिए कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, तो वो स्ट्रेटेजिकली काम होता रहा। पहले वो आकर सामने वाले को बताता था कि कोई आने वाला है, तो फिर उसने काम किया अगर हम वहां तक पहुंच सके। ऐजाने मोहतरम, अब उस मकाम पर बहुत मुश्किल बात है, मैंने खुद भी पढ़ी, मैंने सोचा कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्योंकि बाज़ वक़्त ज़हन अच्छा वैसे बाज़ ऐसी चीज़ें जो इंसान को कंफ्यूज कर देना तो नहीं पढ़नी चाहिए, वैसे एहतियात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर आदमी का ज़हन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वसी नहीं होता, बाद लोग दूसरे मानों में लेके चले जाते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, एक तो कि यहाँ तक अगर नहीं हुआ तो यह ना हो कि मेरे लिए कहीं किसी और आलम में मेरे लिए को मुश्किल हो जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, यानी नबी को समावात की सैर कराता हुआ एक ऐसे मकाम पे लाया जहां कोई नहीं है, कोई नहीं है। उस मकाम पर उस खालिक ने एक हदिया दिया, एक तोहफा दिया। बस जो पहुंच गए उनकी समातों को सलाम। एक ऐसा तोहफा दिया, एक ऐसा नूर दिया, एक अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, नहीं जाने मोहतरम, बहरहाल मुझे आप मौका दें दोबारा। यानी वो नूर 12 आलमों से उतरा, उसी के वजूद से हर आलम जिंदा हुआ, हर आलम उसी के वजूद से जिंदा है। युही, इन्होंने जिंदा किया आलमों को। उससे होता होता एक मकाम पर इबादत इतनी की 1,24,000 अनवार बन गए। उन अनवारों ने आकर इस आलम को सजाया, तैयार किया। अब वो बशर के लिबादे में आया। अब वहां जब आया तो खुदा ने दोबारा महबूब को ऊपर बुलाया दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कुछ हिजाब हैं, उन हिजाबों को हटाने के लिए मैं ऊपर बुला रहा हूं। उन हिजाबों को क्यों? आओ ऊपर। ऊपर आकर एक नूर दिया, उस नूर ने तनज़ुल किया और फातिमा की सूरत में जमीन पे आ गया। मदद अक यानी वो नूर हिजाबों में था, वो तजल्ली खुदा ने अपने महबूब को खलवत में दी। कोई नहीं आ सकता था वहां, उस मेराज पर उसे नूर को दिया और उस नूर ने आकर फिर बशरियत के लिबादे में। इसीलिए तो वो हदीसे कुदसी है, ऐ अहमद मैं कायनात को खल्क ना करता अगर आपको खल्क ना करता। और फिर कहा मैं ना कायनात खल्क करता ना मैं आपको खल्क करता
अगर मैं अली को खल्क ना करता और ना मैं कायनात खल्क करता, ना मैं आपको खल्क करता, ना अली को खल्क करता अगर मैं फातिमा को खल्क ना करता। हम समझ ही नहीं पाए अज़ीज़ाने मोहतरम, हम अजीब लोग हैं। वो जो बहरहाल कि बीबी से खता हो सकती है, उसे तसव्वुर कैसे किया आपने? आपको समझ में नहीं आया कि जिसे रसूल उम्मे अबिया कह रहे हो, जिसके लिए रसूल यानी रसूल बैठे हो तो सब बैठे हुए हैं। अब आप सारे अंबिया बैठे हुए हैं, सारे औसिया बैठे हुए, सारे औलिया बैठे हुए, सारे मलाइका बैठे हुए, कायनात थमी हुई, क्यों? रसूल बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये तशरीफ लाई रसूल खड़े हो गए तो पूरी कायनात खड़ी हो रही है। अज़ीज़ाने मोहतरम, तासुब से बाहर आए, फिरकों से बाहर आए, समझे ये कौन है? ये वो हैं जिनके लिए आया तथहीर नाजिल हो रही है, ये वो हैं जिनके लिए आया मुबाहला नाजिल हो रही है, ये वो हैं जिनके लिए सूरह इंसान नाजिल हो रही है, ये वो हैं जिसके लिए खुद रसूल कह रहे हैं कि जिसकी चादर में खुद रसूल आया हो। अहले किसा कौन है समझे? यही है कि जो शफात करवाएंगी। इसीलिए वक्त का इमाम, अज़ीज़ान मोहतरम आप वक्त का इमाम, हमारे हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने इमाम का जो वक्त का है। वक्त के इमाम क्या फरमाते हैं? मेरे लिए अगर कोई नमूना अमल है, कोई रोल मॉडल है तो रसूल की ये बेटी है। यानी क्या? यानी तनहा भी है तो भी विलायत का दिफा कर रही है। समझे, खुदा इफ्तिखार कर रहा है मलाइका के ऊपर कि जब सैयदा इबादत में अपने मेहराब में खड़ी होती हैं, मदीना वालों ने देखा कि हर नमाज के वक्त अलग नूर था जो इस घर से निकलता था, उस मकाम पर पहुंचाया। हमारे लिए रोल मॉडल है जाने मोहतर, हमारी माओ बहनों के लिए खास तौर पर। हम समझें इन हस्तियों को कि ये बशरियत के लिबादे में हमें निजात देने के लिए आए हैं, ये हमें निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि इस आलम में मुश्किलात हैं, इस आलम में गिरफ्तारियां हैं, उस आलम में हम भी उस आलम में थे पहले। क्यों खुदा ने भेजा इस आलम में? क्योंकि उस आलम में तो नूर थे, मबहूत थे, नूर थे। शायद हमसे कोई गलती हो जाती, अपने आप को कुछ समझने लग जाते कि शायद कोई खबर है। खुदा ने इधर भेजा कि पानी के पीछे भागो, खाने के पीछे भागो, अपने सायों के पीछे भागो, घरों के पीछे। क्यों? इस आलम में जहां खाओ तो मुश्किल, ना खाओ तो मुश्किल, प्यासे रहो तो मुश्किल, पानी पियो तो, ये गिरफ्तारियां दिखाकर हमारे फकर का एहसास करवाया है खुदा ने। ये मोहताजी दिखाई कि तुम मोहताज हो, अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम मोहताज हो, तुम्हें इस मोहताजी से निकालने के लिए यही हैं जो तुम्हें यहां से निकाल के लेके जाएंगे। गिरफ्तारी है ये। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इनके मुकाबले में जो भी आएगा वो एक निजाम बनाने की कोशिश करता है और निजाम का रेप्लिका करता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। जैसे हमारे यहाँ आजकल होते ना, एक असली फोन है, एक उसकी कॉपी है, हर चीज असली है, हर चीज कॉपी है आजकल तो। वैसे भी चाइना मशहूर है कॉपियां बनाने में, ठीक है, तो वो कॉपियां है, अब हर चीज की कॉपी। तो ये कॉपी बनाना पुराना काम है, ये हमेशा से उस सिस्टम को बनाया जो इसके मुकाबले में आया। क्या किया? इखलाक, इनके मुकाबले में इखलाक बनाओ,
इनके मुकाबले में इज्तमाई वैल्यूज़ बनाओ, इनके मुकाबले में इकतसादी निज़ाम बनाओ, इनके मुकाबले में ख़ातून की इज़्ज़त एहतराम बनाओ। यानी वो सब इनके मुकाबले में कर रहा है और वो ये कहता है कि इंसानियत की निजात इसी में है, इंसान अगर कमाल पर पहुँचना चाहता है तो इसी तरह पहुँचेगा। लेकिन ये सब मुकाबले में है, इनके मुकाबले में जो अनवार उतरे हैं, कैसे हो सकता है कि कोई इनसे हट जाए और कमाल पे पहुंचे? कमाल मुमकिन ही नहीं इनके बगैर। यही इंसान को निजात देने के लिए, इसीलिए आप देखें हर दौर में जब भी ये है उस दौर को इसी से मुश्किल है, किसी से मुश्किल नहीं। सबसे छोटे यानी चंद इमाम है ना जो कम उम्र में आए, हमारे नवे इमाम सातवें साल में इमामत के दर्जे पर फायज हुए, सातवें दर्जे पर, सात साल, सात साल का जाहिरी तो बच्चा ही है ना, उस सात साल से हुकूमत को क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, क्यों घेरा डाला हुआ है, क्यों सवाल करते हैं, क्यों दावत देते हैं मुनाजरों की, और क्यों 25 साल में जहर दे दिया? क्योंकि लोग नहीं पहचान पाए, दुश्मन जानता था ये वही है जो एक इशारा करें तो कायनात पलट सकती है। यही निजाम है जाने मोहतरम, और हमें पूरी तारीख में धोखे में रखा गया और हमें फरेब दिए गए, हम फरेब के अंदर हैं। हमें बताया ही नहीं जा रहा कि इंसान की निजात किसके पास है। इस्लाम के नाम पर आपका मुल्क अलग हुआ, ठीक है, इस्लाम कहां है आज? इस्लाम कहां? आज निजाम हमारा कैसा है? इसमें आप ही नहीं किसी की आप उंगली उठाएंगे जी इसकी उंगली इसकी गलती है, नहीं, पूरा सिस्टम कैसा है? अब आप कहते हैं यार बार बार हम वोट डालते हैं, बार बार हम हर साल कहते हैं को उम्मीद रखते हैं कि शायद कोई तब्दीली आएगी, कुछ होगा, लेकिन घूम फिर के मामला वही आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि उन्होंने निजाम ऐसा बनाया है कि इस निजाम से जो भी निकलेगा वो करप्ट होगा, वो करप्शन करेगा। आप कर लें कुछ भी कर लें, आप कसमें उठवा लें उससे, कुरान पे हाथ रखवा लें, लेकिन निजाम करप्ट बनाया है पूरी दुनिया का। ये जो निजाम उन्होंने दिया है ना, ये है, ये आपके लोगों को तैयार करते हैं, आपके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, आपको पता ही नहीं होता। चंद खानदानों ने इस शहर पे भी हुकूमत की हुई है पिछले कई सालों से, चंद खानदान है, मगर कोई और पढ़ा लिखा नहीं है इस कौम के अंदर कि वो मेयर बने, वो वजीर बने, वो गवर्नर बने, कोई और पढ़ा लिखा ही नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई टेक्नोक्रेट नहीं है, किसी ने सिटी डेवलपमेंट नहीं पढ़ा हुआ क्या? जिन्हें अपने नाम सही तरह बोलना नहीं आता, जिन्हें बात करना नहीं आती है, वो आपके ऊपर हुकूमतें कर रहे हैं। थे कौन ये पहले सारे और कहां ये पहुंच गए? क्यों? निजाम करप्ट है। जब ये करप्ट हाकिम होंगे तो कहां ये माशरा ऊपर जाएगा? क्यों नहीं आप उखाड़ फेंकते ऐसी करप्ट निजाम को? कैसे उखाड़े? आप अपने आप को तैयार करें, पढ़ाएं और अपने नुमाइंदों को खड़ा करें। सुन्नी शिया कोई फर्क नहीं पड़ता, पिस तो गरीब आदमी रहा है ना, खुद तो उड़ जाते हैं ये बीमारी के बहानों से यहां से। भाई इतना ही अगर बीमारी थी तो इतने साल एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए कि खुद इलाज करवाए। फिर वही लोग, फिर वही जयाले पैदा हो जाएंगे, फिर वही पैदा हो जाएंगे। जाहिल रखा फिरौन, जाहिल रखकर हुकूमत कर रहा था। जाहिल रख के हुकूमत की उसने, आपको भी जाहिल बनाओ। इनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई क्या है? क्या पढ़ाई है हमारी यूनिवर्सिटियों में? चार साल की डिग्री, पांच साल की डिग्री क्या बना रही है? गुलाम बना रही है। बच्चा आता है यूनिवर्सिटी में, ये सोचता है कि मैं नौकरी कहां करूंगा, मैं कौन सी नौकरी करूंगा, नौकरी करके करता क्या है? मल्टीनेशनल खून चूसती है उसका, ये देगा वो देगा, घुमाएगा फिर आएगा। सिस्टम पूरा करप्ट है। बाहर की कंपनियों को ऑर्डर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, एनजीओ को उतार दो यहां पर। माशरे में जो बुराई हो रही है, फैलाई हो रही है, बुराइयां जो उतर रही हैं, टीवी चैनल कितने आपके चैनल है, सारे सारे करप्ट। बेहिजाई, बुराई, तलाक, नामहरम से ताल्लुकात, एक शख्स कई रिश्ते उसके, अब तो नशे भी दिखाते हैं वो टीवियों के अंदर। ये करप्शन का निजाम आपको इंसान बनने देगा? फिरौनियत का निजाम हाकिम है,
कैसे खड़े होंगे आप? और आप रैलियां निकालते रहे, अजमत साहब, अजमत अहले बैत, आपको पता ही नहीं है आपके साथ हो क्या रहा है? आप ये क्यों नहीं बोलते कि ये नशों के अड्डे बंद क्यों नहीं हो रहे, ये बेहिजाई बुराइयां बंद क्यों नहीं हो रही हैं? हर आदमी मुलव्वस है ऊपर से लेकर नीचे तक। कहां से आप उस साफ वो पाक शख्स खड़ा करेंगे जो आपके ऊपर काम करे? किसका कसूर है ये? फिर आप इंतजार कर रहे हैं अलजल अलजल, कहां आएगा वो, किधर आएगा वो? यहां आप उसको आने देंगे? कोई एक शरीफ आदमी ऊपर किसी पोस्ट पे आता है उसको धक्का देकर हटा देते हैं। सब ताल्लुकात, कब तक जुल्म होगा कौम के ऊपर? खुदा कुरान में वाजे कह रहा है कि जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती, कुछ नहीं होने वाला। अज़ीज़ाने मोहतरम, खुद पहले फिक्र करें, खुद समझें ये हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे औलाद के साथ, हमारी क्या हो रहा है, तब समझ में आएगा। अल्लाह का वली, हर जमाने में अल्लाह के वली को खुदा ने महफूज रखा है। और जब इंसानों ने नहीं साथ दिया, 11 को नहीं साथ दिया, 12वें को छुपा लिया, छुपा लिया, नहीं भेजेगा जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, नहीं भेजेगा। जाने मोहतरम, आप कुछ भी कर ले, अब आप कर ले, कहां आएगा वो? अज़ीज़ाने मोहतरम, वक्त गुजर गया अज़ीज़ाने मोहतरम बहुत तेजी से। अज़ीज़ाने मोहतरम, दर्द यही है, इस्लाम के मायने अमनियत के हैं, इस्लाम के मायने इस्लामी चीजों के हैं। इस्लाम सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, इमाम बारगाह में नहीं होता, इस्लाम पूरी जिंदगी पर हो। वक्त नहीं, बहरहाल मैं जो है वो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता अज़ीज़ाने मोहतरम, लेकिन बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझें। आयतुल्लाह शमसुद्दीन बयान करते हैं कि एक आलिमे दीन था जो मजलिस में पढ़ा रहा था, उसे जो है वो एक खातून ने फ़ोन किया कि मेरे यहाँ एक छोटी सी मजलिस है और मजलिस जो है वो थोड़े से लोग हैं और कुछ चरागा और न्याज होगी, लेकिन ये न्याज जो है वो उस छोटी सी बच्ची की है जो करबला में आई थी। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कुछ देर बाद एक बड़े ताजर का फोन आया और कहा कि फलानी जगह मजलिस पढ़नी है और वो मजलिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो तुम्हें हदिया भी अच्छा मिलेगा और वहां से तुम मशहूर भी हो गए। तो उसने कहा कि मैंने किसी को बोला है, कह रहा है वो छोड़ो, ये मजलिस बहुत ज़रूरी है। कहा, मैंने कहा ठीक है कर लूँगा। मैंने उस खातून को फ़ोन करके मना कर दिया। कहता है मैं सोया, मैंने ख्वाब में देखा उस मजलिस की गली पे इमाम हुसैन अपनी बच्ची को लेके खड़े हुए। कहा मेरी आँख खुल गई। कहा मैंने फौरन उस खातून को बोला मैं आपके घर आऊँगा, और इसको बोला, कहता वो नाराज़ हुआ ताजिर, लेकिन मैंने कहा नहीं, वहाँ मामला कोई और है। हाँ, कहते मैं वहाँ गया और मैंने मजलिस पढ़ी और फिर मैंने बयान किया कि आपकी इस मजलिस में इमाम खुद बच्ची को लेकर आए। अज़ादारने मोहतरम, ये वो बच्ची कि बहरहाल आपने मसाहिब सुनते रहते हैं इस बच्ची के, क्योंकि बहरहाल एक रवायात के मुताबिक शबे पांच सफ़र जो है वो इस बच्ची का जो है वो वक्त रुखसत है। रुखसत ही कहूँगा, या यूं कहूँ कि वक्त परवाज है, क्योंकि जो कफस में होता है ना, जो जिंदान में होता है, वो परवाज चाहता है। इस बच्ची ने परवाज की। ये बच्ची रोजे आशूरा देखती रही। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी पढ़ा करते थे कि जब हज़रत अली अकबर खैमों से रुखसती लेकर निकल रहे थे ना, तो खैमे का पर्दा हटता था, फिर गिर जाता था, फिर हटता था, फिर गिर जाता था। तो कहा, देखा एक बच्ची है जो अली अकबर को रोक रही है। भाई से मोहब्बत है ना, भाई से मोहब्बत है,
खुदा आपकी बहनों को सलामत रखे। लेकिन ये बच्ची देखती रही, जो भी गया वापस नहीं आया। इसके दर्द को, और कितनी छोटी बच्ची है, तसव्वुर करें ना, छोटी सी बच्ची है, जिनकी छोटी बच्चियां हैं वो जानते हैं कि छोटी बच्चियां बेटियां बाप को चिपकती हैं आगे, क्या कहती हैं, बाबा कब आएंगे। हालांकि जानती है कि रोज आता है, रोज आता है, लेकिन रोज है। अजीजान मोहतरम, क्यों, खुदा का निजाम है ऐसा, खुदा ने बनाया ऐसा है, और हमेशा वो बहरहाल एक उम्मीद पे होती है कि बाबा कब आएंगे। अजीजान मोहतरम, ये बच्ची भी यही देख रही है, जो जा रहा है वापस आता भी है तो क्या आया, वापस क्या आया है, देख रही है। रोज़े आशूरा जब आखिरी विदा हुआ ना इमाम हुसैन का, उस वक्त मक्तल कहता है कि ये बच्ची भी जुदा हुई है। इस बच्ची ने भी जुमले अदा किए, सुनते रहते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन मक्तल में इस बच्ची ने अपने बाबा से आखिरी वक्त में कुछ कहा। बच्ची ये देख चुकी थी कि अब बाबा भी जा रहे हैं, जानती है कि अब क्या होने वाला है। कहा, बाबा हमें मदीना वापस ले चलें, वापस ले चलें। लेकिन इमाम ने कहा कि बेटा अब वक्त नहीं है मदीना। हाँ आजादार ने, वो तो इमाम चले गए। मैंने कल आपके सामने बहरहाल थोड़ा बहुत जो पढ़ सका पढ़ा, लेकिन एक हिस्सा ये भी है कि बेटियां बाप के जनाजे पे जीनत होती हैं। रोज़े आशूरा ये बेटी भी अपने बाबा के जनाजे पे गई है। जब बेटियां जनाजे पे आती हैं ना तो बड़े प्यार से हटाते हैं, बेटा प्यार से आ जा। नहीं समझ नहीं है आप, यानी आप इस बच्ची को समझें। बैनुल हरामैन करबला में एक छोटी बच्ची का एक टीवी चैनल वाले ने इंटरव्यू लिया, कहा बेटा आप रुकैया यानी यही सकीना को जानते हैं। कहा हाँ, करबला में एक बच्ची थी। कहा और क्या जानते हैं। कहा बस यही। कहा अच्छा, अगर कुछ गुंडे बदमाश आए और आपके भाई को मारना शुरू कर दें तो। कहा मैं अपने बाबा को कहूंगी। कहा अगर वो आपके बाबा को भी मारना शुरू कर दें तो। कहा बच्ची कांप उठी। कहा मैंने कभी जिंदगी में ऐसा तसव्वुर नहीं किया। कहा अब समझ में आया सकीना, उस बदन पर जब ये गई, प्यार नहीं किया, ताजियानों से, ताजियानों से जुदा किया। और अजीब मुमासलत है, बस आपने गिरिया किया, वक्त बहुत गुजर गया जाना, आपने गिरिया किया, खुदा आपकी बच्चियों को सलामत रखे, बस इस बच्ची में और दादी में मुमासलत है, इस बच्ची में और दादी में मुमासलत है। वहां दरवाजा जला, यहां दामन जला। सुन सकेंगे या इमाम समान, वहां तमाचा लगा, यहां तमाचे लगे। अजीब मुमासलत है ना, अजीब मुमासलत है। जुदा हो गया आजादान मोहतरम, वक्त गुजर गया, बहरहाल वक्त गुजर गया, तामुल नहीं है आप, मैं भी नहीं पढ़ सकता, आप भी नहीं सुन पाएंगे। वक्त गुजर गया, शाम गरीबा आ गई, बीबी बच्चों को जमा कर रही है, देखा एक बच्ची नहीं है, नहीं है बच्ची। बच्ची कहाँ, वो बीबी मक्तल में गई। अब मक्तल है क्या जो हम इतना सुनते रहते हैं, मक्तल क्या है, ऐसा तो करबला था नहीं, दश्त था, बयाबान था, रोशनी भी नहीं थी, अंधेरा घुप। उस अंधेरे में सर बुरीदा लाशे, यह है मक्तल।
अब ये बच्ची मखतल में, बीबी ने देखा एक सरबुरीदा बदन पर सो रही है। क्यों? सीने पे सोने की आदत थी ना भाई, जिसकी बच्चियां हैं अपने सीने पे सुलाकर महसूस किया करें। सीने पे सोने की आदत थी, सीने पे सो रही है। कहा बेटा क्या कर रही हो? कहा बाबा के सीने पे सो रही। आखिरी नींद है सकीना, आज के बाद आप नहीं सोएंगी, आज के बाद अली असगर सोएगा। आप जानते हैं ना, इमाम के बदन के ऊपर अली असगर का बदन, आज तक अली असगर उस सीने पे सो रहा है। वो आखिरी नींद थी सकीना की, जो 61 हिजरी में शामे गरीबा पे हुई। बस आजाद कितना सख्त है एक बेटी के लिए बाप के सर बुरीदा। मगर बेटा आपको कैसे पता चला ये बाबा का सीना? अंधेरा है ना, अंधेरा है। शनाख्त वो भी कैसे होती? वो तो 11 मुहर्रम को पता चलेगा कि हुआ क्या था, क्या जहां वो सो रही थी रात को। कहा कि मैं तो बाबा बाबा कर रही थी, दो हाथ बुलंद हुए, न जाने हाथ में कौन सी उंगली कटी हुई थी। बस इतना पता, इलैया इलैया, अरे बेटी आ जा, बेटी सो गई, हटा दिया। 11 मुहर्रम इस कारवां को जो गुजारा गया ना मक्तल के पास से, मक्तल के पास से, बीबी ने अपने आप को गुरा दिया जमीन के ऊपर। पहचान कैसे हो? ना सर है, ना कोई और चीज है, निशान इतने, अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे पहचाना बीबी जैनब ने? खुशबूए हुसैन से, खुशबू हुसैन। लेकिन ये बच्ची जो रात को सीने पे सोई थी, ये क्या कहती है? फूफी जान, ये किसका बताना है? अल्लाह अकबर। हाँ साधारण मोहतरम, वक्त गुजर गया, गुजरता रहा, ये बच्ची रास्ते में उन दर्दों को समेटती रही, उन मुश्किलात को समेटती रही। बस कभी कभी निगाह उठाती थी और नेजे पे बाबा को देखती थी, न जाने बात न कर पाई। मक्तल खामोश है, मक्तल खामोश है, मक्तल कहां बोला? बस अदादारण मोहतरम, बस आपने बड़ा गिरिया किया, खुदा आपके रोने को कबूल फरमाए, खुदा आपके लिए बीबी हमारी शफात करें रोजे कयामत वाले दिन। हाँ अदादारण मोहतरम, बस ये गुजर गया, मैं बहुत तेजी से आगे आया। जिंदान, बच्ची सबर ना कर पाई, बाबा बाबा बाबा। जब इतना हुआ ना शोर, तो यजीद लहीन, कैसा शोर? कहा बच्ची बाबा, कहा दे दो बाबा, दे दो। क्या आया? खुदा आपकी बच्चियों को कोई गम ना दे अजदाने मोहतरम। कभी बच्ची गिरिया करती है तो आप क्या कहते हो? बेट जो है दे दो, खुश हो जाए ना बच्ची, चुप हो जाए, बच्ची को गिरिया नहीं करने दो। लेकिन यहां क्या आया? तश्त जब कपड़ा हटा, खाक में अटी हुई जुल्फें, माथों में जख्मों के निशान, होंठ ताजा ताजा सूजे हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मक्तल कहता है सर को उठाया, सर को उठाया, होंठों से होंठों को लगाया। अल्लाह, मनल लजी शुरू हो गई बच्ची, वो जो समेटा हुआ था ना अंदर, बोलना शुरू हुई, बाबा बाबा कहां थे? बाबा खेमों को आग लगी, बाबा कहती रही।
بس چند جملے، بڑا گریہ کیا آزادہ، خدا قبول کرے آپ کی حاضری کو، بس چند جملے، بس چند جملے. ایک شاعر نے بی بی کی زبان میں بابا سے گفتگو کی ہے، بس وہ آپ کی خدمت میں. شاعر کہتا ہے بچی کی زبان میں، بابا یہ شہر کا عجیب قانون تھا، یہاں یتیموں کے ساتھ سلوک بھی عجیب تھا، یہاں سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، یہاں تماچے لگے. ہاں بابا، بابا اگر یہ مجھ سے کہتے تو میں گوشوارے دے دیتی، یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. میری بی بی زینب کہتی ہے میں سمجھا بچی سو گئی ہوگی، مگر جا کر کیا دیکھا، ایک طرف بچی ایک طرف سر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میرا غریب امام، میرا بیمار امام، ارے اسی کرتے میں اپنی بہن کو دفنا دیا، قیامت تک یہ بچی یہی کہتی رہے گی اے میرے بابا کے زائر، میرے بابا کو میرا سلام. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار کرو. جو بیمار ہیں حضرت سکینہ کے صدقے بیمار کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. مسلمانوں کو جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مسلمانوں میں آپس میں اتفاق محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو بھی مجلس میں تم جلوس عزاداری ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الآخرہ. صلوات اللہ علیہ وسلم.